राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला है। मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। आम सभा में दिग्विजय सिंह का कोई बुला नहीं रहा, इसलिए ट्वीट ही करते रहते हैं। जब भी चुनाव आता है तब एससी के वोट को साधने के लिए ऐसे बयान देते हैं। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि अब कोई आम सभाओं में तो बुला नहीं रहा, तो ट्वीट ही करते हैं। ट्वीट उनका एक ही और है आज, महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई है। इनने 370 हटने पर खुशी नहीं जताई, 35 पर खुशी नहीं जताई, लद्दाख पर खुशी नहीं जताई, लेकिन महबूबा पर खुशी जता रहे हैं। इससे ये सोच समझ में आती है कि किस तरह की मानसिकता है दिग्विजय सिंह जी की। देखो, हमारा घोषणा पत्र तो विकास से जुड़ा हुआ है, और रोज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, सिंधिया जी बोल रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता बोलते हैं, वही बातें हमें लिख के देना, बहुत जल्दी आपके सामने होंगी। नई गाइडलाइन आ गई है और हाईकोर्ट के हर निर्देश का पालन किया जाएगा। न्यायालय का पूरा सम्मान करती है, यहाँ कानून का राज है और पूरा सम्मान उच्च न्यायालय का किया जाए। बहुत अच्छी रिकवरी रेट प्रदेश की इसकी हो गई है, और अब आप देखेंगे एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी पूरे प्रदेश क्या देश में ही आना एक बार कम हुए हैं। ये कोविड अब डाउन की ओर है, अब इसका बैक आता है कि नहीं आता है ये विशेषज्ञों की राय के ऊपर है, लेकिन निश्चित रूप से अब इस दिशा में सुधार काफी है। और राहुल बाबा का फोटो ही नहीं है पूरे इनके कांग्रेस के वचन पत्र में। बदले लेने वाली बात नहीं, कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहां वो, आप कहां कहां तुलना कर रहे हो। वो तो हमारे सिंधिया जी तो दिलों में हैं, इसलिए वो वाली बात नहीं है। हमारे अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री दोनों के फोटो हैं, पर राहुल बाबा का नहीं है, जो इस बात का द्योतक है कि ये अब समझ गए कि राहुल बाबा से अब वोट नहीं मिलते, इनके राजकीय अध्यक्ष से अब वोट नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ विनोद की वस्तु है।